बिना वर्कआउट बिना योगा का ये ट्रिक है, ना वर्कआउट करना है और ना ही योगा करना है। तो आप सुन करके चौंक जाएंगे कि हमारे घर में ही थे और मैं आज तक उसे अपनाई नहीं। तो मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ जो मैं खुद पे अजमाई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनंदा और आज का मेरा टॉपिक है प्रेग्नेंट औरतों के लिए। जो प्रेगनेंसी के बाद सोचते हैं कि मेरा सीजर से बच्चा होगा तो पेट ना कहीं निकल जाए और मैं स्लिम नहीं रहूँगी, सबसे बड़ा टेंशन हम औरतों का यही रहता है। तो मैं आज उसका सबसे बड़ा सलूशन लेकर के आई हूँ कि आप कैसे स्लिम रह सकते हो, कैसे फिट रह सकते हो। बिल्कुल एकदम साधारण सा इलाज है उसका, आप चौंक जाओगे ये सुन करके। मेरे दो बच्चे हैं और दोनों सीजर से हैं और मैं वो चीज़ को अजमाई हूँ और मेरे पेट बिल्कुल भी नहीं निकले हैं, मैं बिल्कुल स्लिम हूँ। तो देखिए मेरा बॉडी, मैं बिल्कुल ही स्लिम हूँ, मेरा बिल्कुल भी नहीं पेट निकला है। और ऐसा बात नहीं है कि मेरा एकदम वेट कम है, मैं नॉर्मल हूँ। तो आपको मैं आज अपना एक ट्रिक बताने वाली हूँ कि मैं क्या की हूँ जिससे मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं निकला है और मेरे दोनों बेबी सीजर से हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ गर्मियों के दिनों में कैसे ये ट्रिक को अपनाना है और ठंड के दिनों में कैसे अपनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है अजवाइन, इससे मैं बताऊंगी कि क्या करना है और कैसे इसका सेवन करना है। और ठंडियों के दिनों के लिए देखिए ये यूज करना है, इसमें रख करके पीना है। जब गर्मी के मौसम में बेबी होंगे तो आप इसमें रख करके यूज कर सकते हैं और मैं ठंड के दिनों के लिए बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये है तांबे का जग, तो आप सब जानते ही होंगे इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। पानी पी, इसमें पानी रख करके पिए तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इसे नाइट में रख दे और मॉर्निंग में पीने से बहुत ही फ़ायदा होता है। बट मैं कुछ और अलग बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी के दौरान कैसे पानी पीना है। तो ठंड के दिनों में क्या होता है कि हम घड़े के पानी पी नहीं सकते हैं, इसलिए इसमें रख करके मैं ठंड के दिनों में पानी पीने के लिए बताऊंगी। तो चलिए मैं उस नुस्खा को बताती हूँ। देखिए गैस पे हम सस्पेंड चढ़ा दिए हैं, अब इसमें पानी हम डालेंगे धीरे धीरे करके। अब पानी को हम इसमें डाल चुके हैं, अब क्या हो है ना, पानी को थोड़ा गर्म होने देंगे। जब तक पानी गर्म नहीं होते हैं अजवाइन नहीं डालेंगे। अब पानी थोड़े गर्म हो चुके हैं तो एक स्पून अजवाइन डालेंगे, जितना हमारा पानी है उसके अकॉर्डिंग ही हम अजवाइन को डालेंगे। तो देखिए अजवाइन अब हम डाल चुके हैं, अभी इसे ढक देंगे, पूरे कवर होने चाहिए, नहीं तो इसका जो भाप है इसका अंदर जो विटामिन है वो निकल जाएंगे, इसलिए हमें इसे पूरा कवर करना है और जैसे एक बॉयल आने तक हमें इसे पकाना है। और मैं क्या चीज़ में बॉयल करती थी पानी दिखाती हूँ। इस भगोने में मैं अपने लिए पानी बॉयल करती थी जब हमारा बेबी हुआ था। और अजवाइन इससे जैसे कि मैं उसमें एक स्पून डाली, इसमें चार स्पून में डालती थी और पानी को बॉयल होने देती थी और ठंडे हो करके उसके बाद मैं देखिए घड़े में पानी को रखती थी। और ये मैं आपके लिए एग्जाम्पल लाई हूँ घड़ा, नहीं तो मैं बड़ा, मेरे पास जब था ना बहुत बड़ा घड़ा था उसमें मैं पानी रखती थी और जब ठंडे हो जाते थे तब मैं पीती थी। अब बॉयल होने के बाद ठंडे करके पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हमारा जो अजवाइन का पानी है ये बॉयल हो चुका है, जैसे कि अभी थोड़ा बॉयल होने में टाइम है, आई थिंक थोड़े रुकना ही पड़ेगा, अभी बॉयल नहीं हुए हैं, हमें एक बॉयल तक रुकना होगा। और जैसे कि पानी बॉयल हो जाएगा उसके बाद भी 2 मिनट हमें वेट करना होगा, क्योंकि तुरंत अगर उसे खोल देंगे तो सारा जो विटामिन है वो निकल जाएंगे। तो देखिए एक बॉयल हो चुका है हमारा, अच्छे से बॉयल हो गया है। अब इसका कलर है ना अजीब रहता है, क्या मैं बोलूँ, एकदम जैसे आप ग्रीन टी कभी यूज किए होंगे तो पता होगा, ग्रीन टी की तरह इसका कलर रहता है, एकदम ग्रीन टी जैसा ही मुझे लगता है। बट हाँ इसमें चीनी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, नहीं तो जो आप फायदे के लिए पी रहे हैं
वो फायदा नहीं करेगा। तो देखिए अब मैं छन्नी के सहारे सारे छान चुकी हूँ, और छानने के बाद ही इसे घड़े में या तांबे के बर्तन में रखे, तभी ये अच्छे रहेंगे, नहीं तो वो अचानक मुंह में पड़ेंगे तो मन भी खराब हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा बॉयल हो गया है। तो अब इसे मैं गिलास में सर्व करूंगी पानी को। देखिए अब मैं गिलास में इसे ले रही हूँ, थोड़े गर्म है बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। देखिए ये पूरे ग्रीन टी की तरह दिख रहे हैं, और जब मैं ग्लास में ली तो और भी लग रहे हैं कि ग्रीन टी ही है। अब मैं इसका बेनिफिट बताती हूँ। ये अजवाइन के पानी जैसे आप एक टाइम जैसे मॉर्निंग में या इवनिंग में लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अगर आप एनी टाइम नहीं पीना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप 3 टाइम इसे जरूर यूज करना, बट हाँ खाना खाने से कुछ टाइम पहले यूज करना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। अब इसे पीने का तरीका जैसे सिप बाय सिप पीना है, ना कि पूरी गिलास एक बार में घटक ले, थोड़े टाइम रुक रुक करके पानी को पिए तभी कोई फायदा करेगा। अब इसका और भी बेनिफिट है, जैसे बच्चे को पेट दर्द होता है और जब हम खुद अपने बच्चे को फिट कर रहेंगे तो जो मैं खाऊंगी जो हम लोग खाएंगे वही बच्चे को पेट में जाएगा, तो ये अजवाइन का पानी हम पियेंगे तो बच्चे के पेट में भी जाएगा और वो भी स्वस्थ रहेगा और पेट दर्द भी नहीं उसका करेगा। बच्चे क्या होता है बोल नहीं पाते हैं कि क्या हुआ है हमें क्या नहीं हुआ है, बहुत छोटे होते हैं बेबी, तो उनके लिए मैं बहुत अच्छा इलाज है, रामबाण मैं बोलूँगी इलाज है, जैसे बोलते हैं ना वो रामबाण इलाज है। तो आप जरूर इसे ट्राई करें, बहुत इसका बेनिफिट है, आपका पेट भी नहीं निकलेगा, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, दर्द भी नहीं होंगे, उसमें भी कंट्रोल है रहेगा, भूख भी लगेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। कैसा लगा आप सबको वीडियो कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी मेरे अंदर एक्साइटमेंट आएंगे अगली वीडियो बनाने का। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।